is what we are getting right now because of last so many years. पूरी तरीके से परखते हुए हमारे जजेस जो घोड़े हैं उनको होते हैं वो टिप से टिप पर टच करते हैं तब दैट इज ऑल्सो अश्व प्राचीन काल से सवारी का प्रमुख साधन रहे हैं जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी कम करने का यह प्रमुख साधन मात्र था। अश्व की प्रकृति स्वामी भक्त होने के कारण से ही ये अपने जान की परवाह न करते हुए अपने मालिक की जान को बचाने एवं उसकी मदद करने में तत्पर रहते थे। युद्ध में अश्व की विशेष उपयोगिता थी और अश्व के द्वारा शत्रुओं को मित्रता में भी बदला जा सकता था एवं दूसरे के जानी दुश्मन की परस्पर मित्र बन जाते थे। तो ये एक अहम रोल जो है इन घोड़ों ने निभाया है। शायद यही कारण है कि ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने ये बीड़ा उठाया कि जो घोड़े हैं और उसके अंदर ये जो प्रजाति है मारवाड़ी, इसे आगे लेकर के जाएंगे और इसे बचाएंगे और इसे और बेहतर बनाएंगे साल दर साल। और ये साल नहीं, ये हर दिन, ये सोसाइटी हर दिन काम करती है। It's not about years, it's not about months, it's not about weeks, it's about every day. And there are people who are working really hard for this breed. अगर मैं बात करूं अमर सिंह राठौड़ के घोड़े की, तो उन्होंने उस घोड़े ने आगरा के किले से कूदकर खुद की जान दी थी और अपने मालिक को बचा लिया था। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा जो घायल अवस्था में भी युद्ध के मैदान में अपने मालिक को सुरक्षित स्थान पर ले आया और फिर अपने प्राण त्याग कर इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। चेतक के बारे में तो हम सब लोगों ने बचपन में पढ़ाई है कहानियों में। एक कविता है जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है चेतक को लेकर के। मतलब मुझे बचपन में वो चेतक वाली जो कहानी थी वो इतना अच्छा लगता था, वो कविता इतना अच्छा लगता था कि मेरे को उसे क्वेश्चन आंसर ऐसे ही याद हो जाया करते थे। तो वो एक अच्छा था, पूरे में से पूरे मार्क्स आते थे मेरे उसमें। वही क्यों चीज़ है जो मुझे याद आ गई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में भी शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, राणगदे जब बादशाह अलाउद्दीन की कैद से मुक्त होकर के दिव्य घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे तो मार्ग में ही उस घोड़े की मृत्यु हो गई थी और सोजत के निकट उस स्थल पर उस घोड़े के नाम से जींजड़ा गांव बसाया गया था। मतलब घोड़े को शास्त्रों में ऐसे ईश्वर के रूप में, उसके अलावा इस तरीके से घोड़े के स्मारक बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं घोड़े इन चीज़ों को डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि उन्होंने उतना दिया है इस समाज को
और कहीं ना कहीं एक ये भी एक और चीज़ है कि घोड़े जो हैं वो प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, अगर मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और बहुत सारे जो ब्रीडर्स हैं यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे जो एनिमल लवर्स यहाँ पर बैठे हैं, वो मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। लेकिन अगर आप एक बार ज़ोरदार तालियां अगर बजा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा एक ना कॉल टू टीथ प्रतियोगिता जो भी हमारे सामने हो रही थी उसका रिजल्ट अभी हमारे बीच बहुत जल्द अनाउंस होगा। आप लोग जानना चाहते हैं तो फिर आप लोग जरूर बैठिएगा कि कैसे घोड़ों को उपहार में देकर के युद्ध टाल दिया जाता था। ये एक बहुत बड़ी बात है। और टू कॉल टीथ प्रतियोगिता जो भी हमारे सामने चल रही थी, दो दंत बछेरी प्रतियोगिता, इसका रिजल्ट अभी हमारे सामने थोड़ी ही देर में आप लोगों से मैं साझा करूंगा। लेकिन एक चीज है, सारे के सारे अश्व अपने आप में जबरदस्त है, मतलब खूबसूरत, दिल मोह लेने वाले एकदम। Yeah.